किसान भाइयों राम राम। आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहे हैं जो कि छोटे किसान भाई के लिए तोहफा है। तोहफा देख रहे हैं आप, ये छोटी मशीन कितना धुआं खा रखा जी मशीन ने। ये 7.5 HP वाली मशीन है और परम एग्रीकल्चर स्टोर वाले छोटे किसानों के लिए फिर से एक तोहफा लेके आए हैं। आपने पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी हमारी, जिसमें कि हमने आपको 5.5 HP वाला पावर मीटर दिखाया है, गन्ने में चला के दिखाया है आपको, सब्जी में चला के दिखाया है। आज फिर आपको एक 7.5 HP वाला जो पावर मीटर है वो आपको दिखाते हैं और आपको इसकी विशेषता बताएंगे। और जी आप ताकत इसकी देख ही रहे हैं कितनी ताकत लगा रहा है, तो एक बार भैया से पूरी जानकारी लेते हैं। भैया से रुकवाते हैं। हाँ जी रोको सही से कैसे होती है। तो शाम भैया ये जो आपका पावर वीडर है ये कितने हॉर्स पावर का है? ये जी 8 से 9 पावर का है जी। अच्छा, मतलब है तो 7.5 HP का, लेकिन शाम भैया बता रहे हैं कि जान इतनी लगा रहा है कि 10 HP की टक्कर का चल रहा है ये पावर वीडर। ये किसान भाई देखिए, ये 7.5 HP का पावर वीडर है और भैया से इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो शाम भैया आप बहुत टाइम से इसे चला रहे हैं, तो कैसा चल रहा है? आप देख लो इसमें भान पड़ा है खेत में, कहीं कहीं पट भी है, उसमें बिल्कुल घास बिल्कुल मट्टी में मिला हुआ है, आप देख लो। अच्छा ये बताइए, जैसे किसान भाई ये छोटे वाले पावर वीडर लेते हैं या कंपनियां बनाती हैं? हाँ जी। तो मतलब किस वजह से बनाती हैं? इसलिए जैसे बाग होते हैं हमारे, किसान बाग भी लगाते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें ट्रैक्टर नहीं जा पाता। अच्छा, मतलब कहने के बाद ये है कि ये छोटा आइटम जो है बड़े वाले को फेल कर रहा है। जहाँ बड़ा भैया बता रहे हैं, जहाँ बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा पाता वहाँ ये हमारा ये चलाता है। और जी मैं आपको इसकी जानकारी बता दूं, जो किसान भाई बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हैं बहुत दिन से, मैं आपको बता दूं ये जो पावर वीडर है ये वहाँ काम आता है जहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता, सब्जी में और जी गन्ने में, जितनी भी आपकी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर काम नहीं कर पाता, ये उसके लिए है। ठीक है जी। इसमें एक बात और खास है जी, जैसे हमने पहले और भी देखे। हाँ जी, जो हमारे रोटावेटर में होते हैं ट्रैक्टर में तवा लगे होते हैं, साइड में तवा, तो इसमें भी तवे का जुगाड़ दिया है, दोनों साइड दिया है एक। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जहाँ तक जुताई करेगा वहाँ तक बिल्कुल लेकर चलेगा, बिल्कुल लेकर चलेगा बिल्कुल दोनों भाई से। देखो किसान भाइयों कितनी चौड़ाई है इसकी, इसकी मेरे हिसाब से शाम भैया लगभग 4 फीट लग रही है। हाँ जी 4 फुट है बिल्कुल, 3.5 4 फीट तक है ये इसकी इसकी चौड़ाई। दोनों में तवे लगे हुए हैं और मैं आपको इसकी थोड़ी टेक्निकल जानकारी बता दूं, इसका इसमें 3 लीटर पेट्रोल आ जाता है। ठीक है जी, ये इसका ऑन ऑफ का उसका रेस का है, रेस का क्लिच है और ये इसकी क्लिच होगी वैसे वाली, मतलब इसे दबाने से ही चलेगा और जी इसके ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे हो गया इसका, ये इसका हैंडल हो गया एडजस्टेबल। ठीक है जी, आपको देख रहे हैं ना, तो खोलना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सीधा यहाँ से ही इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जी ये है इसका गियर, ये लंबी डंडी आप देख रहे हैं, ये है इसका गियर पहला और दूसरा, दो गियर है। और ये आप एक चीज़ आपको दिखा दूँ मेन, ये है रिवर्स, ये जो ये है हमारा आप देख रहे हैं रिवर्स गियर, इसे दबाने से ये बैक भी अपने आप चलेगा। सबसे मेन बात है कि बैक भी अपने आप चलेगा। और सबसे ज़्यादा जो किसान भाई चाहते हैं वो ये है, वो चाहते हैं कि हमारे पावर वीडर में टायर होने चाहिए। टायरों से क्या होता है कि वो उठा के नहीं ले जाना पड़ता, वो आराम से खेत में टायरों पे चला के ले जाते हैं। अभी हमारे शर्मा जी हैं, ये टायर दिखा रहे हैं, ये देखो जी ये इसके टायर हैं, पूरे बढ़िया वाले टायर हैं और टोटी मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, जो ओरिजिनल गाड़ी के ट्रैक्टर के ट्यूब वाले टायर हैं इसके, तो मतलब जो कुछ भी इसमें सामान लगाया गया है वो पूरा मजबूती के साथ लगाया गया है। और हर कंपनी ये चाहती है कि हमारी चीज़ में शिकायत ना आए, तो उसके लिए वो बढ़िया काम करते हैं। और देखो मैं आपको दिखा दूं, वीडियो में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा तेल लग रहा है इधर, ये काहे का तेल है? ये जो हमने CL डाला था ये थोड़ा सा ओवर हो गया, ये ओवर वाले तेल यहाँ को निकलता है। और जी अब भैया से एक बार इसे चलवा के देखेंगे, और मेन चीज़ क्या है, हम इसे चलवाएंगे घास में, पट्ट जमीन में तो आप कुछ भी चला लो, कोई से चला लो। और यहाँ पे देखो इतनी सारी घास भी है, ये भैया मैं खुद आपको चला के दिखाऊंगा इसे कि कैसे ये घास खत्म करता है और स्टार्टिंग इसकी। तो भैया जरा एक बार आप फोन पकड़ लो, शाम
मैं आपको दिखाता हूँ आराम से ये कैसे स्टार्ट होता है, और पहले ही हत्ती में ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके टायर हो गए, ये रख दो साइड, ये हो गया इसका ऑन ऑफ का, ठीक है जी। यहाँ से ये हमेशा ऑन करेंगे, अब ये होगी इसकी रेस, हल्की सी इसकी रेस कर लेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, फिर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आवाज़ ज़्यादा करेगा, समझ में नहीं आएगी क्या करें। ये डंडा जो होता है ये इसका होता है पीछे चलता है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है जी। इसे हटाने के बाद हम इसमें कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट इसमें हम लगा सकते हैं। और जी ये यहाँ से निकल जाए, कल्टीवेटर हो, मट्टी चढ़ाने वाला हो, कोई सा भी इसे लगा सकते हैं। और ये जो ये है हमारी पीछे, हम इसमें ट्रॉली भी जोड़ सकते हैं, जैसे अपने खेत में ले जाने न्यार लाने के लिए बड़ा बढ़िया काम आता है। कोई नहीं, जल्दी में इसकी ट्रॉली भी बनवा रहे हैं, वो भी आपको चला के दिखाएंगे। अब इसे हम करते हैं स्टार्ट, यहाँ से कर दी हमने ऑन, हल्के से इसकी रेस कर दी। और ये देखो पहले ही हफ्ते में स्टार्ट हो गया। अब हम आपको थोड़ा दिखाएंगे सर, पहले गियर में उनमें दो गियर है, पहला और दूसरा, एक रिवर्स गियर। हम इसे रिवर्स मतलब न्यूट्रल होने के बाद हम इसे रिवर्स इसे पैक चला सकते हैं, आगे नहीं चलेगा, रिवर्स में चल जाएगा न्यूट्रल से। अब इसमें आप हम लगाएंगे यहाँ से पहला गियर, दिखा दो ज़रा, यहाँ पे पहला गियर लगा दिया हमने। ये पड़ती है, इसमें आवाज़ नहीं आती। और हम आपको अभी पूरा लोड इस पे डाल के जब दिखाएंगे कि कैसा लोड लेता है जी, ठीक है जी। इधर इधर कर दो, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे, पहले हफ्ते आराम से स्टार्ट हो जाता है। हैंडल टाइट,
चलाए, अगर पसंद आए जब ही ले, क्योंकि हम शहर में नहीं बैठते, अपना हाथपुर से किशोर रोड पर परम एग्रीकल्चर स्टोर है, जो कि अटोला है, गाँव ही है जी, वहाँ पे हम ये सारा सेल करते हैं। हम किसान हमारे पास आता है, हम संतुष्ट करते हैं, खेत में ले जाने के बाद चलवा के दिखाते हैं। किसी भी भाई को अगर एक पावर वीडर लेना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6395-9898, दूसरा नंबर है 7088-8888। किसी भी टाइम फ़ोन करके इंक्वायरी हमसे ले सकता है। और आपको जो वीडियो किसान के पास जाने के बाद हमें फीडबैक मिलता है, उसके हम वीडियो लगाते हैं अक्सर अपनी चैनल पे। और परम एग्रीकल्चर अटोला मेरा यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।